शिल्पी का सवाल है। कह रही हैं आचार्य जी प्रणाम। बुल्ले शाह कहते हैं, नुक्ते विच गल मुकदी है फिर नुत्ता छोड़ हिसाबानू। फिर कहते हैं, फिर मुर्शद आबाद खुदाई हो विच मस्ती बेपरवाही हो। कह रही हैं बुल्ले शाह किन हिसाबों को छोड़ने और किस नुक्ते और गुरु को पकड़ने के लिए कह रहे हैं। आपका दिल से शुक्रिया। शिल्पी हिसाबों का हिसाब रखो, मन तो हिसाबी होता ही है लेकिन उन हिसाबों में उसे वास्तव में क्या मिला और उसने क्या खोया ये उसे ठीक ठीक पता नहीं होता। बहुत मेहनत करके, बहुत जोड़ तोड़ करके, बहुत गणित बिठा के तुमने कुछ हासिल किया लेकिन जो हासिल किया क्या उसका हिसाब पता है, क्या उसका मूल्य पता है? बुल्ले शाह कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात पकड़ लो, नुक्ता पकड़ लो और गुरु के साथ हो लो, बाकी सारे हिसाब किताब व्यर्थ हैं। और वो छोटी सी बात जो पकड़नी है वो ये है कि छोटी बातों को मत पकड़ो। बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जा सकते हैं छोटे के समर्थन में, छोटे को पाने के लिए और छुटपन के केंद्र से। महाभारत का पूरा युद्ध है और उसके पीछे बात क्या, कि दुर्योधन को द्रौपदी चाहिए, चाहिए थी मिली नहीं, फिर द्रौपदी के हाथों अपमान भी झेल लिया। और भी दो चार बातें पर वो सारी बातें भी छोटी, और उन छोटी बातों को केंद्र में रख के आयोजन कितना बड़ा, बहुत बड़ा। तुमने बहुत पैसे कमाए, तुम जीवन में बहुत आगे निकले, विराट तुम्हारा व्यापार है, न जाने कहां कहां तुम घूम आए, 10 देशों में तुम्हारे तार हैं, और इन सब के पीछे कौन जाने बात बस इतनी सी हो कि तुम्हें लगता है कि जिंदगी अधूरी है, सूखी है, प्रेमहीन है। तुमने जितना जाल फैलाया है, जितनी तरक्की करी है, उन सब के पीछे भावना तुम्हारे छुटपन की हो। तुमने अपने लक्ष्य को पाने की खातिर तो खूब जतन कर लिए, दौड़ लिए, भाग लिए, हिसाब किताब तुमने बिल्कुल ठीक लगाया कि कितनी दूर लक्ष्य है, उसको पहुंचने के लिए कितना समय, कितनी ऊर्जा चाहिए,
कितने गठबंधन चाहिए, कितने मोड़ बदलने पड़ेंगे, कितने रिश्ते लांघने पड़ेंगे, ये सब हिसाब तुम्हारा बिल्कुल ठीक था। एक हिसाब तुम करना भूल गए, जहां पहुंचना चाहता हूं और जिस कारण से पहुंचना चाहता हूं, उस कारण की कीमत क्या है, वो हिसाब तुमने नहीं किया। समझ रहे हो बात को? जैसे कि कोई अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग करके, प्रदर्शन करके बनाए, तो क्या बनाए, एक घातक अस्त्र, एक परमाणु बम। परमाणु बम यूं ही नहीं बन जाता, उसके लिए तुम्हें अणु को तोड़ना पड़ता है, उसका विज्ञान समझना पड़ता है, तकनीक विकसित करनी पड़ती है। तो बहुत हिसाब लगाया तुमने, बड़ा शोध किया, प्रयोगशाला पे प्रयोगशाला, वैज्ञानिक पे वैज्ञानिक, मेहनत और मेहनत, तब जाकर के एक अणुबम तैयार हुआ। और क्यों चाहिए था तुम्हें अणुबम? बात बहुत छोटी सी थी, तुम्हें दूसरा पसंद नहीं था। बात इतनी छोटी सी थी कि तुम्हें दूसरा पसंद नहीं था। और उस शुद्धता के केंद्र का समर्थन करते हुए तुमने अपनी प्रतिभा को, बुद्धि को क्षुद्रता की सेवा में लगा दिया। बात समझ रहे हो? तुम्हारा बड़े से बड़ा हिसाब किताब, तुम्हारा बड़े से बड़ा प्रयत्न, तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई, तुम्हारी ऊंची से ऊंची उपलब्धि सब व्यर्थ है अगर उसके पीछे की प्रेरणा और कारण हीनता में, क्षुद्रता में, मूर्खता में डूबे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? और तुम बड़े आयोजन कर सकते हो, बड़े तंत्र फैला सकते हो, अपने अंधेरे की सेवा में और समर्थन में। और आमतौर पर बड़े बड़े तंत्र फैलाए ही जाते हैं मात्र अंधेरे की ही सेवा में। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का तुम्हारा व्यापार हो सकता है, अनगिनत तुम्हारे कर्मचारी हो सकते हैं, पर तुमने ये पूछा क्या कि ये सब मैं कर क्यों रहा हूं? बड़ी संभावना है कि तुम ये सब कर सिर्फ उसी कारण से रहे हो जिस कारण से एक भिखारी भीख मांगता है। भिखारी भीख क्यों मांगता है? उसे भोगना है। उसे पेट में डालना है। वो बेचारा गरीब है, तो उसके ऊपर तो भोगना शब्द भी बहुत उपयुक्त नहीं होता। उसे बस किसी तरह से पेट में डालना है। और तुम भी ये जो इतना विशाल व्यापार बिछाए बैठे हो, उसके पीछे मंशा क्या है? और थोड़ा ही कुछ है, भोगना है। बड़े से बड़े हीरे जवाहरात खरीदने हैं, 50 देशों की यात्राएं करनी है,
ऊंचे से ऊंचा घर बनाना है और उस घर को सोने चांदी बहुमूल्य पत्थरों से भर देना है। तुम्हारी इस मंशा में और भिखारी की मूलभूत मंशा में कोई फर्क है क्या? आ तो दोनों एक ही जगह से रहे हो, बस एक बहुत दूर चला गया, बहुत दूर तक चला गया और दूसरा बहुत दूर नहीं जा पाया, लेकिन हैं दोनों एक ही घर के निवासी, हैं दोनों भाई भाई, दिल दोनों के एक से हैं, मन का केंद्र और मन की मूल वृत्ति दोनों की एक है। क्या कि कुछ कमा लूं, कुछ पा जाऊं और फिर जो पा जाऊं उसको भोग लूं। एक भोगता है बहुत ही छोटे स्तर पर, तो तुम उसके भोगने को भोगना भी नहीं बोलते, और दूसरा भोगता है बड़े से बड़े स्तर पर दोनों अंततः कर क्या रहे हैं? मुल्ले शाह सिखा रहे हैं, ये मत देखो कि तुमने कितना विस्तार दिया है अपने जीवन को, अपने श्रम को, अपने कर्मों को, कितना फैला दिया है तुमने अपने उद्यम को। तुम तो एक छोटी सी बात पर ध्यान दो, क्यों फैला दिया है, क्या है जो तुमको ऊर्जा, ईंधन और गति दे रहा है? समझ रहे हो? गुरु का अर्थ समझना, गुरु वो नहीं है जो तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे काम धंधों को सफल बना दे। गुरु वो है जो तुम्हारे काम धंधों के केंद्र को ही बदल दे। काम धंधा तुम कैसे करोगे तुम जानो, उससे गुरु का कोई लेना देना नहीं, पर काम धंधा तुम किस कारण से करोगे, तुम क्या रहकर काम धंधा करोगे, काम धंधा करने वाले की पहचान क्या है, ये गुरु का क्रिया क्षेत्र है, इस पर गुरु की नजर रहती है। तुम अगर सही हो तो गुरु तुमसे पूछेगा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और कितना कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। गुरु कहेगा तुम सही हो तो तुम जो भी करोगे वो सही ही होगा, और यदि तुम सही नहीं हो तो तुम बड़े से बड़े राजा हो गए हो, उद्योगपति हो गए हो, नेता हो गए हो, सफल हो गए हो। गुरु कहेगा तुमने जितना किया है उतना और अपने लिए नुकसान बढ़ाया है, क्योंकि जो गलत दिशा से आ रहा है, जो गलत दशा में है, वो तो जो कुछ भी कर रहा है अपने आप को नुकसान ही दे रहा है। अच्छा होता वो जरा कम करता। और दुर्भाग्य ये है कि आम तौर पर जो जितना गलत होता है उसके भीतर करने की प्रेरणा उतनी ज्यादा होती है। आम तौर पर जो सही हो जाते हैं वो कारण नहीं पाते हैं कि कर्म के या गति के अतिरेक में उतरे। वो चुप हो जाते हैं, वो थम जाते हैं, ठहर जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कर्म ही नहीं करते, गति ही नहीं करते, पर उनका कर्म, उनकी गति अब बड़ी संयमित हो जाती है, शांत हो जाती है। और जो बहके हुए हैं, पिए हुए हैं, उनकी गति ऐसे बहती है जैसे उफनाई नदी। उफनाई नदी बड़ा प्रभावित करती है, तुम उसे देख करके उसके प्रशंसक हो सकते हो। शांत नदी अपना एहसास ही नहीं कराती, वहां कुछ इंप्रेसिव नहीं है। बात समझ रहे हो? गुरु का काम है ये देखना कि तुम्हारी नदी
सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। तुम उफन कर, शोर मचाकर, गति दिखाकर गुरु को अपना कायल नहीं कर पाओगे। अपने आप से यही पूछा करो, ये नहीं कि कितना किया, सर्वप्रथम ये कि क्यों किया, कहां से किया। अगर सही होकर के कर रहे हो तो ठीक उतना ही करोगे जितना करना चाहिए। उसके बाद तुमको संख्या का या मात्रा का सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर गलत होकर कर रहे हो तो संख्या मात्रा वेग जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारे लिए नुकसानदेह ही होगा। समझ रहे हो? बाहर बाहर का हिसाब तो रखते ही हो, भीतर का हिसाब भी रख लिया करो। और भीतर का हिसाब बड़ा सीधा होता है, उसमें बहुत दांव पेच जटिलताएं नहीं होती। भीतर के हिसाब में एक ही बात पूछी जाती है, हाँ या ना। शांति है या नहीं है? अब कितना समय लगना है इस प्रश्न का जवाब देने में? तुम्हें बही खाते नहीं मंगाने पड़ेंगे, तुम्हें कंप्यूटर खोल के हिसाब नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें तो अपने आप से सीधा और ईमानदार सवाल पूछना है, क्या सुकून में हूं कि नहीं हूं, चैन है या नहीं है। यह है भीतर का हिसाब, जिसका उत्तर सीधा और तत्काल होता है। बाहर का हिसाब लंबा चौड़ा होता है, उसमें तुम धोखे में भी फंस सकते हो, उसमें तुम आंकड़ों का खेल खेल सकते हो, उसमें तुम समय मांग सकते हो कि अभी पूरी जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता कि मुनाफा है कि नुकसान। भीतर तुम्हें समय की जरूरत नहीं, भीतर तुम्हें गणना की जरूरत नहीं, भीतर जो हो रहा है वो सच्चाई है जिसमें तुम जी रहे हो। बुल्ले शाह कह रहे हैं, बाहरी हिसाब किताब में इतने ना उलझ जाना कि भीतर ये पूछना भूल ही गए कि हाँ या ना। संसार तुम्हारा ध्यान 50 सवालों की ओर खींचता है, उसने कितना पाया, वहां कितना कमाया, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे छूटा, फलानी चाल कैसी पड़ी, फलानी युक्ति जमी कि नहीं। गुरु कहता है वो सारे सवाल जरा छोड़ो, तुम तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या हाँ या ना, शांति है या नहीं है। एक नुक्ता गुरु की बात, तुम आए गुरु के सामने अपना पूरा पुलिंदा लेकर के, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है, वैसा है, उपलब्धियों का पहाड़ दिखा दिया, जीत का महाकाव्य सुना दिया, और गुरु ये सब
सुनते सुनते अचानक बीच में रोक कर बोलेगा, क्या हाँ या ना, ये सब तो ठीक है, सुकून है या नहीं? अगर है सुकून तो ये सारी बातें व्यर्थ हैं, और अगर नहीं है सुकून तो ये सारी बातें व्यर्थ हैं। ले देकर तुम्हारे बाहर के सारे हिसाब किताब व्यर्थ ही है। तुम तो एक बात बताओ बस, हाँ या ना? हाँ है तो हमें तुमसे आगे कुछ नहीं पूछना, और अगर ना है तो तुम आगे कुछ मत कहना। अगर है शांति तो हमें तुमसे आगे कुछ नहीं पूछना, फिर सब ठीक है, और अगर नहीं है शांति तो अब आगे तुम अपनी कोई गाथा मत सुनाना, क्योंकि तुम्हारी हर गाथा तुम्हारे झूठ की गाथा होगी, तुम्हारी अशांति की गाथा होगी, तुम्हारी मक्कारी की गाथा होगी। दोनों ही स्थितियों में क्या फायदा है बहुत बोलने से? इसीलिए बात का बतंगड़ बनाए बिना और काम को सरल रखने के लिए जब कभी उलझो, अपने आप से एक ही प्रश्न पूछो, क्या हाँ या ना? सवाल सीधा होता है ना तो तुम अपने आप को धोखा नहीं दे पाते, और सवाल के उत्तर में अगर निबंध लिखोगे तो निबंध में सब छुपा जाओगे। शब्दों का और काम क्या है? छुपाना। तो इसीलिए जीवन की किसी भी स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे सामने प्रश्न एक ही उपस्थित रहे, क्या हाँ या ना? हाँ है तो आगे किसी प्रश्न की जरूरत नहीं, और ना है तो आगे किसी उत्तर की जरूरत नहीं। समझे? वारी